एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुश्रीज वर्ल्ड। सो आज मैं पास्ता बनाने वाली हूँ, जैसा कि आपने मेरे आइसक्रीम वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया। सो आज मैं इसीलिए रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले हमने ना यहाँ पास्ता को धुल दिया है, तो अब हम गैस पे पानी रख के और पास्ता को बॉयल करने के लिए रख देते हैं। सो मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है, जब तक हमारा ये बॉयल होता है तब तक हम प्याज और मिर्च काट लेते हैं। सो यहाँ मैंने प्याज और मिर्च काट लिया। आप सभी को तो पास्ता बनाना आता ही होगा, या मैं बहुत ही इजी वे से बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं मीट मसाला ले रही हूँ, आप किचन किंग भी ले सकते हो। फिर यहाँ मैं सॉस और यहाँ पे पास्ता मसाला ले रही हूँ। सो यहाँ हमने बॉईल करके, अच्छे से बॉईल हो गया, हमने इसको छान लिया है। अब हम इसको एक कढ़ाई में चढ़ा, यहाँ आप स्वाद अनुसार नमक ले लें। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। तो यहाँ हम हल्दी ले रहे हैं। आप लोग सोचोगे यहाँ हल्दी क्यों है, और आप घर पे जब पास्ता बनाते हो आप ये भी सोचते हो क्या कि जो होटल में आप जाओगे तो देखोगे कितना अच्छा कलर आता है पास्ता का, घर पर नहीं आता। बट ये हल्दी जब हम डालते तो पास्ता का कलर और टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें सारे मसाला और सॉस डाल देता हूँ। सो पहले पास्ता मसाला। सो गाइस, मैंने एक तरफ पास्ता को थोड़ा सा चढ़ाया हुआ है, तब तक के लिए मैं यहाँ पे प्याज और मिर्ची यहाँ पे भून लेती हूँ। अगर आप ऐसे दो तरफ करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और जल्दी लजीज पास्ता तैयार होगा। अच्छे से हम इसको भून लेते हैं, ठीक है। और बस मसाला डाल के थोड़ा सा इसको भूनना है, एकदम 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद हमने प्लेट में निकाल दिया है। अब जब तक हमारा ये प्याज भून जाएगा फिर हम इसमें पास्ता को डाल देंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना वरना ये जल जाएगा, तो इसमें पास्ता डाल देते हैं। तो यहाँ पे ना हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, तो इससे ज़्यादा जलेगा नहीं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पकने देंगे, फिर अब हम ना यहाँ पे सॉस डालेंगे। ऊपर से हमने थोड़ा सा मीट मसाला रखा है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। अब हमें 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से पका लेना है, ठीक है। तो चलिए पका लेते हैं अभी। तो पूरा फुल वीडियो तो मैं नहीं दे पाऊँगी, सो अगर इसकी एक ही फुल से फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना। सभी वीडियो एंड नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए कितने अच्छे से ये कलर इसका आ गया, जब हमने इसको हल्दी डाला इसमें ना, तो देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है, और सॉस से और अच्छा कलर आ रहा है। यहाँ मैं मेयोनीज यूज़ नहीं करी, सॉस कहीं भी आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, मेयोनीज नहीं मिलता है। यहाँ पर ना चीज़ कुछ भी, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रही, चिली फ्लेक्स कुछ भी मैं नहीं डाल रही इसमें, जो नॉर्मली आपको लोकल बाज़ार में मिल जाएगा। मीट मसाला या फिर किचन के आपके पास जो भी मिक्स मसाला हो तो वो सब तो मिल ही जाता है, पास्ता मसाला तो ऑब्वियसली पास्ता के साथ मिल जाता है, सो सॉस तो मिल ही जाता है। तो ऐसी चीज़ से मैंने बनाया है, उसको अच्छे से पका लेते हैं, भून लेते हैं। सो फाइनली मैंने सर्व कर दिया। इट्स सो टेस्टी। आप ऊपर से थोड़ा सॉस, थोड़ा सा नमक मसाला चाहिए तो डाल सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिए। बाय।